हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए, आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 11 का राजनीतिक विज्ञान। तो आज हम लोग क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस को देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कार्यपालिका। तो आइए आज हम लोग कार्यपालिका को देखेंगे। कार्यपालिका क्या है, उसका कार्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं कार्यपालिका से संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट को। तो आइए देखते हैं, कार्यपालिका व्यक्तियों के उस समूह से है, उस कायदे कानून का संगठन प्रतिदिन लागू करते हैं। कार्यपालिका दो प्रकार की है। पहला है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित संसदीय एवं अर्ध-अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कार्यपालिका क्या है, किसको कहते हैं कार्यपालिका। तो सबसे पहले हम लोग कार्यपालिका के बारे में थोड़ा जानते हैं। सरकार के फैसले लेने वाले, तो कार्यपालिका उसको कहते हैं जो सरकार के फैसले लेने वाले अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। यानी जो लोग सरकार के फैसले लेते हैं, लेने वाले अधिकारी होते हैं, तो उनको सामूहिक रूप से कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार की नीतियों को ये कार्य रूप देते हैं, इसलिए इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कार्यपालिका को हम इस तरह से जानते हैं कि किसी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के दो हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनैतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं। जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाही कहते हैं। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायक करते हैं, तो इसी को हम कार्यपालिका कहते हैं। तो कार्यपालिका को और आगे हम देखते हैं क्या है। तो संसदीय व्यवस्था में उसके बाद हम देखते हैं कि कार्यपालिका को हम लोग देखा कि दो प्रकार से है। सामूहिक नेतृत्व, पहला है सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित में संसदीय व अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, और दूसरा है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली के अध्यक्षात्मक शासन। जैसे एक व्यक्ति के नेतृत्व, जैसे जो हमारा कार्यपालिका है, बहुत सारे मंत्री मिल करके सामूहिक रूप से कार्यपालिका, और उसी को सामूहिक रूप से जो सरकार का फैसले लेते हैं तो उसको कार्यपालिका कहता है, तो कहा जाता है। तो एक व्यक्ति के नेतृत्व, जैसे एक कार्यपालिका के एक व्यक्ति प्रधानमंत्री हो गए, जो लीडर होते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो एक व्यक्ति के नेतृत्व में, जैसे प्रधानमंत्री, तो उनके सिद्धांत पर आधारित प्रणाली में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है संसदीय व्यवस्था। राष्ट्रपति या राज औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। जैसे भारत और ब्रिटेन में भारत के राष्ट्रपति तो प्रधान होते हैं, महामहिम कहलाते हैं, लेकिन नाम मात्र के प्रधान होते हैं। वास्तविक शक्ति, भारत का जो वास्तविक शक्ति होता है वह प्रधानमंत्री के और मंत्रिमंडल के पास होती है। भारत और ब्रिटेन में इसी तरह का संसदीय व्यवस्था है। तो हम देखते हैं कि हमारे भारत में और ब्रिटेन में भी देखा जाता है कि संसदीय व्यवस्था जो है, राष्ट्रपति तो प्रधान होते हैं लेकिन नाम मात्र को होते हैं, जितना भी वास्तविक शक्ति है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती है। कभी कभी ये दोनों एक दल या विरोधी दल के भी हो सकते हैं, जिनमें विरोध हो सकता है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, तो इस व्यवस्था में राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त होता है, कुछ शक्तियां
मिला हुआ होता है, शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है, तो वो शक्ति क्या क्या है अभी हम थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि वो शक्ति क्या होता है, राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो राष्ट्रपति की शक्ति है कार्यपालिका का शक्ति होता है, न्यायपालिका का शक्ति होता है, सैन्य शक्ति होता है राष्ट्रपति के पास, आपातकालीन शक्ति होता है, परामर्शदात्री शक्ति होता है और अनविवेक शक्ति जिसको जेबी बिट्टो बोला जाता है, तो इस प्रकार के शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। तो इस प्रकार के कार्यपालिका की शक्ति किस प्रकार की शक्ति है आगे हम डिटेल में जानेंगे। तो आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और राज्य सरकार दोनों का प्रधान होता है, इसलिए राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली होता है। भारत में 1919 और 1935 के अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था के संचालन का अनुभव हो चुका था। भारतीय संविधान ने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया क्योंकि कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होगी और उनसे नियंत्रित भी, इसलिए राष्ट्रीय व प्रांतीय स्तर पर उसे स्वीकार किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि भारत में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास तथा औपचारिक रूप से प्रधान राष्ट्रपति होता है, यानी भारत का प्रधान तो राष्ट्रपति होते हैं लेकिन वे वास्तविक रूप से सारा शक्ति जो होता है प्रधानमंत्री के पास होता है। तो राष्ट्रपति निर्वाचित विधायक और संसद के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, विधायी, कानूनी और आपातकालीन शक्तियां प्राप्त होती है। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। भारत को जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति जो राज्यों में किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार, जैसे हम लोग अभी हमने बताया कि कार्यपालिका की शक्ति होता है, न्यायपालिका होता है और सैन्य शक्ति, आपातकालीन परामर्शदाती, अंश स्वविवेक शक्ति होता है। तो इस तरह से राज्यपालिका के राष्ट्रपति के कुछ शक्तियां प्राप्त है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और अल्पमत होने पर अपना पद छोड़ना पड़ता है। अगर अल्पमत हो जाता है तो अपना मत प्रधानमंत्री को छोड़ना पड़ता है। और 1989 से अनेक अवसर आए जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तब गठबंधन की सरकार बनी, यानी गठबंधन की सरकार। इस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री का एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। राज्यों में इसी प्रकार की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था में सिद्धांत लागू होता है, यानी गठबंधन की सरकार तो एक तरह से मजबूत सरकार नहीं मानी जाती है। तो कभी कभी देखा जाता है कि किसी दल का जब बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सभी दल मिल करके गठबंधन की सरकार बनाती है। तो इस प्रकार से गठबंधन की सरकार मजबूत सरकार नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग करता है। इसी प्रकार राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर शीर्षस्थ नौकरशाही की रीढ़ होती है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियाँ जनता तक पहुँचती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। कार्यपालिका का अर्थ क्या है? तो कार्यपालिका सरकार के उस अंग से है कार्यपालिका का अर्थ जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। वैसा कायदा कानून, उस तरह का कानून, उस तरह का नियम जो रोजाना लागू करते हैं तो उसे कार्यपालिका कहा जाता है। तो कार्यपालिका सरकार के उस अंग से है जो कायदे कानून को संगठन में रोजाना लागू करते हैं, उसे हम कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। सरकार सरकार
सरकार का वह अंग जो नियमों कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है कार्यपालिका कहलाता है। कार्यपालिका विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ही होते हैं, बल्कि यानी कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अस्थायी कार्यपालिका में जो लोग रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं को सम्मिलित किया जाता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, जिसमें महारानी राज की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था के हिस्से हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट पॉइंट है, जापान में संसदीय व्यवस्था जिसमें राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, जापान में इस तरह की व्यवस्था है। इटली में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, यानी इटली में इस तरह का संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान होते हैं और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होते हैं। तो ये इस प्रकार की व्यवस्था इटली में है। उसके बाद रूस में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान, राष्ट्रपति देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है, इटली में व्यवस्था है। रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होते हैं। इस प्रकार से जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। इस प्रकार की व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था जर्मनी में है कि राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रधान होते हैं और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। उसके बाद अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है, जैसे अमेरिका में है, ब्राजील में है और लैटिन अमेरिका के कई देशों में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलता है या पाई जाती है, अभी भी है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रपति अमेरिका में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है और सिद्धांतता और व्यवहारता दोनों ही राष्ट्रपति का पद, दोनों तरह से राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली होता है। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में एक राष्ट्रपति या राजा होता है जो देश का नाम मात्र का प्रधान होता है। प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था है भारत में, जर्मनी में, इटली में, जापान में, इंग्लैंड में और पुर्तगाल आदि देशों में इस तरह की व्यवस्था है। भारत में हमारे राष्ट्रपति तो प्रधान होते हैं लेकिन वे उनके पास वास्तविक शक्ति जो है प्रधानमंत्री के पास होते हैं, राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति नहीं होती है। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है, जैसे फ्रांस हो गया, फ्रांस में इस तरह की संसदीय व्यवस्था है, रूस में है, श्रीलंका में है इस तरह की व्यवस्था जिसमें अर्धात्मक व्यवस्था होती है, यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो भारत में संसदीय कार्यपालिका क्या है, आइए जानते हैं। हमारे संविधान निर्माता यह चाहते थे कि सरकार ऐसी हो जनता की अपेक्षाओं के प्रति संवेदनशील और उत्तरदायी हो, ऐसा केवल संसदीय कार्यपालिका में ही संभव था। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्ति पर बहुत बल देती है, इसे
व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश लग सके। यानी संविधान का जो निर्माता थे इस प्रकार की ऐसी सरकार चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका हो, लेकिन साथ साथ उसमें व्यक्ति पूजा पर ही पर्याप्त अंकुश लग सके। उसके बाद संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी, इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया। भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होता है तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के कार्यपालिका बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान तो होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं। औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु वास्तविक रूप से औपचारिक रूप से तो कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है, परंतु वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के माध्यम से राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, वह भी अप्रत्यक्ष तरीके से, यानी निर्वाचित सांसद और विधायक करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और एक संक्रमणीय मत के सिद्धांत के अनुसार होता है। संसद राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। यानी जहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ पर संविधान का उल्लंघन हुआ है, तो वहाँ महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति। राष्ट्रपति की शक्ति और स्थिति क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति की शक्ति क्या है और क्या स्थिति है। तो राष्ट्रपति की शक्ति है, एक औपचारिक प्रधान है। राष्ट्रपति को वैसे तो बहुत सी कार्यकारी विधायी कानून बनाना कानूनी और आपात शक्तियां प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यानी राष्ट्रपति को कार्यकारी विधायी कानूनी आपात शक्तियां प्राप्त है, परंतु इन सभी शक्तियों का प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। स्वतः राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं बिना मंत्रिपरिषद के सलाह के। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अर्थात कानून बनाने की शक्ति जो प्राप्त है, तो इसके तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है और बुलाए गए सत्र का सत्रावसान करता है। लोकसभा को भंग कर सकता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, अध्यादेश जारी करता है। तो संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार क्या है? तो संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर और मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति किसी सभी प्रकार के मंत्रिपरिषद की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त कर सकते हैं और जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उसका भी सूचना राष्ट्रपति प्राप्त कर सकते हैं, यह उनका विशेषाधिकार है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, राष्ट्रपति के विशेषाधिकार। सदनों को चुनाव पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी अगर राष्ट्रपति के पास किसी चीज़ को विचार के लिए अगर भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उससे सदन में पुनः लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए।
वीटो शक्ति का प्रयोग करके संसद द्वारा राष्ट्रपति के पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं। राष्ट्रपति का यह विशेष अधिकार है कि वीटो शक्ति का प्रयोग करके वह संसद द्वारा राष्ट्रपति का पारित विधेयकों को स्वीकृति देने में विलंब कर सकते हैं। चुनाव के बाद कई नेताओं के दावे के समय यह निर्णय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, यह राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है। उसके बाद राष्ट्रपति का यह भी अधिकार है क्षमादान की शक्ति, आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति भी प्राप्त है, जिसके तहत न्यायिक शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। इसके तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दंड को माफ कर सकता है या कम कर सकता है। उसके बाद सैन्य शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। इसके तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का संयुक्त सेनापति होता है। सारे युद्ध राष्ट्रपति के नाम पर ही लड़े जाते हैं। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश का भी विशेष अधिकार है राष्ट्रपति को। जब संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश के माध्यम से कानून बना सकते हैं। यह अध्यादेश अधिक से अधिक 6 महीने तक रह सकता है तथा यह अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने की तिथि से 6 सप्ताह के अवधि के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संसद का सत्र 1 वर्ष में अधिक से अधिक 3 बार बुलाया जा सकता है तथा कम से कम 2 बार बुलाया जा सकता है। संसद का एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार का अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि आखिर राष्ट्रपति पद की क्या आवश्यकता है। जब सर्वाधिक वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में होता है और मंत्रिमंडल के पास होता है तो राष्ट्रपति की पद की क्या आवश्यकता है। तो राष्ट्रपति के पद की आवश्यकता है, आइए देखते हैं। संसदीय व्यवस्था में समर्थन न रहने पर मंत्रिपरिषद को कभी भी हटाया जा सकता है। ऐसे समय में एक ऐसे राष्ट्र प्रमुख की आवश्यकता पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांस्कृतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए राष्ट्रपति की आवश्यकता है, क्योंकि अगर मंत्रिपरिषद को कभी भी अगर हटाया जाए, समर्थन नहीं रहने पे हटाने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय एक प्रमुख की जरूरत पड़ती है, ऐसे प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका कार्यकाल स्थायी हो, जो सांकेतिक रूप से पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता हो। राष्ट्रपति की नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ये सभी कार्य कर सकते हैं। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के जगह पर ये सभी कार्य कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, भारत का उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है वह राज्यपाल का पदेन सभापति होता है। और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारक के पद रिक्त होने पर वह कार्यवाही राष्ट्रपति का काम कर सकता है। अगर भारत को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के जैसा ही 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, जिस तरह राष्ट्रपति को चुना जाता है, वह राज्यसभा के, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं या फिर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो इस अवस्था में राष्ट्रपति का कार्यभार उपराष्ट्रपति करते हैं, संभालते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो आइए देखते हैं प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिपरिषद। तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होता है। प्रधानमंत्री जैसे ही वह बहुमत खो देता है वह अपना पद भी खो देता है। तो ये थे आज के हमारे चैप्टर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति का पद क्या है, विशेष अधिकार क्या है, और राष्ट्रपति की शक्ति, और राष्ट्रपति के संसदीय कार्यपालिका का अर्थ क्या है,
तो कार्यपालिका के बारे में आज हम लोगों ने जाना। थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर।